हेलो डी स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल हैचटेक स्टडी विस्टार ट्वेंटी ट्वेंटी वन जैसा कि आप जानते हो हमने स्टार्ट किए हुए हमारे मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकेंड इज रियल एनालिसिस सो ग्रुप्स एंड रिंग्स के इस लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर फाइव एक लेक्चर मैं पहले डाल चुकी हूँ उसमें हमने रिंग्स और इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन की थी और एट वन टू तो एट एग्ज़ैम्पल्स किए थे आज हम करेंगे बाकी बची हुई डेफिनेशन थियरम्स और एग्जाम्पल्स यानी सब कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्टली हम चलेंगे एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन पे तो फाइव पॉइंट वन से पहले वाला जो भी हमारा बाकी है वो आज हम करेंगे पिछले लेक्चर का एक रिविज़न ले लेते हैं रिंग है रिंग में कितनी प्रॉपर्टीज़ थी एट प्रॉपर्टीज़ थी कौन से कौन से थी क्लोजर प्रॉपर्टी एसोशिएटिविटी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स कॉमिटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये पाँच थी एडिशन के रिस्पेक्ट में यानी एडिशन के रिस्पेक्ट में कंप्लीट एबेलियन ग्रुप था सिक्स कौन सी थी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एसोशिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एट्थ एंड लास्ट था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी इन एट प्रोपर्टीज को सेटिस्फाई करने वाला नौ एम टी सेट कौन होता है रिंग होता है ठीक है सेकेंड हमने किया था इंटीग्रल डोमेन हमने किया था यानी ऐसी रिंग जिसमें एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी थी मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटिटिविटी थी मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में एंड एट लास्ट वो क्या था विदाउट ज़ीरो डिवाइजर यानी किन्हीं भी नॉन यानी अगर ए डॉट बी ज़ीरो है या तो ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा सॉरी इंटीग्रल डोमेन हमने नहीं किया था कल हमने किया था रिंग एंड विदाउट ज़ीरो डिवाइजर सो उसमें भी कुछ नहीं है इंटीग्रल डोमेन जैसा कि मैंने लिखा भी है रिंग है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी है कॉमिटेटिविटी है एंड विदाउट ज़ीरो डिवाइजर है इन चार प्रॉपर्टीज़ जिस नॉन एम्प्टी सेट ने सेटिस्फाई कर दी वो हमारा इंटीग्रल डोमेन होता है रिंग की ये एट प्रॉपर्टीज़ हैं इंटीग्रल डोमेन में वो रिंग होगी एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी यानी मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी होगी मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिविटी होगी और विदाउट जीरो डिवाइजर जो होगा सेट वो हमारा इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा ठीक है अब आगे देखो आज हम बात करेंगे डिवीजन रिंग या फिर आप इसको स्क्यू फील्ड भी बोलते हो ये क्या होती है देखो नाम से ही पता चल रहा है डिवीजन रिंग यानी किसी टाइप की रिंग है तो किस रिंग को हम डिवीजन रिंग कहेंगे पहली बात वो रिंग है और दो प्रॉपर्टीज़ और एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यानी रिंग में जहाँ एट प्रॉपर्टीज होती हैं आठ प्रोपर्टी होती हैं है, डिविजन रिंग में दस प्रॉपर्टी होती हैं दो और एंड हो जाती हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अब देखो एक बात तो आपको ध्यान है रिंग में मैंने आपको बताया था कि वो एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्प्लीट एबिलियन ग्रुप फॉर्म करती है और जैसा कि हमने अभी देखा भी था और दो प्रॉपर्टीज़ होती है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी एंड सेकेंड इज असोशिएटिविटी अब हमने कहा डिवीजन रिंग में उसके पास दो प्रॉपर्टीज़ और आ गई एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो क्या आपको नहीं लगता मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में इसने ग्रुप फॉर्म कर दिया एबिलियन ग्रुप नहीं सिर्फ ग्रुप ग्रुप में चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं सो so, हम कह सकते हैं डिवीजन रिंग मतलब क्या ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जो एडिशन के रिस्पेक्ट में एविलेंट ग्रुप फॉर्म करे और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करे और जो टेंथ प्रॉपर्टी हमारी बच गई है वो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करे वो हमारा क्या होता है डिविजन रिंग ठीक है या फिर आप इसको स्क्यू फील्ड भी बोलते हो ठीक है एक लास्ट डेफिनेशन और आज हम करेंगे फील्ड की स्क्यू फील्ड की हमने कर ली ना स्क्यू फील्ड यानी डिवीजन रिंग यानी दस प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर पांच एडिशन के रिस्पेक्ट में एबिलिन ग्रुप चार हैं ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एंड टेंथ है जो वो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फील्ड ने क्या किया अब मैथमेटिशियंस ने सोचा कि जब एडिशन के रिस्पेक्ट में कंप्लीट एबिलिन ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो कोई ना कोई सेट का नाम कुछ ना कुछ नाम तो हमें उस सेट को भी देना चाहिए ना जो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी एबिलिन ग्रुप फॉर्म कर दे तो बिल्कुल सिंपल सी बात है डिवीजन रिंग या फिर स्क्यू फील्ड में एक कॉम्बेटिविटी और आप ऐड कर दो कॉम्बिटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन तो उसको हम क्या बोलते हैं फील्ड बोलते हैं यानी वो डिवीजन रिंग या फिर स्क्यू फील्ड तो है ही है साथ में कॉमिटेटिविटी को भी सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन यानी जहाँ रिंग में आठ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वहीं डिवीजन रिंग में दस प्रॉपर्टी होती हैं या फिर आप कह सकते हो स्क्यू फील्ड में दस प्रॉपर्टी होती हैं और एट लास्ट फील्ड फील्ड में हमारी इलेवन प्रॉपर्टीज़ होती हैं मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी हम इनको एडिशन के रिस्पेक्ट में भी एपेलन ग्रुप एंड एट लास्ट एलैन प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और इंटीग्रल डोमेन हमने बीच में देखा था रिंग है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी है एग्जिस्ट कॉमिटेटिविटी है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी है कॉमिटेटिविटी है और विदाउट ज़ीरो डिवाइजर है यानी अगर दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट जीरो आ रही है तो या तो ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा इस प्रॉपर्टी हमको हम कहते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर यानी इन चार चीज़ों को सेटिस्फाई करने वाला नॉन एमटी सेट हम क्या कहते हैं इंटीग्रल डोमेन है अब चलिए हम बुक में देख लेते हैं इनकी डेफिनेशन को इंटीग्रल डोमेन क्या था हमने अभी देखा था यानी वो रिंग है यूनिटी है उसके अंदर यानी मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है वो कॉम्पिटेटिव रिंग फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एंड विदाउट ज़ीरो डिवाइजर है फिर हमने डिवीज़न रिंग यानी स्क्यू फील्ड देखा यानी ऐसे रिंग जिसमें उसके नॉन जीरो एलिमेंट्स ग्रुप फॉर्म करें अंडर मल्टीप्लीकेशन यानी दो तो रिंग के अंदर प्रॉपर्टी होती ही है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट पे भी क्लोजर और एसोसिएटिविटी तो दो और जो कौन कौन सी हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो उनको भी जो सेटिस्फाई कर जाए वो होती है डिवीजन रिंग और फील्ड में यानी दस प्रॉपर्टीज हो गई थी अब एक प्रॉपर्टी और रह गई थी कॉम्बिटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन अगर हम वो भी ऐड कर देते हैं तो वो यानी ऐसी डिवीजन रिंग जिसमें कॉम्बिटेटिव प्रॉपर्टी और ऐड कर दो वो क्या बना देगा फील्ड बना देगा सारे डेफिनेशन हमें अच्छे से आ गई है ना तो फील्ड की डेफिनेशन अगर पेपर में आ जाती है या फिर वैसे भी कोई आपसे पूछ ले सिर्फ ये नहीं बताओगे आप अब स्टार्टिंग से लेके चलो कोई नॉन एम्प्टी सेट है एडिशन और मल्टीप्लीकेशन उसको फील्ड कब कहोगे अगर एडिशन uh, के रिस्पेक्ट में भी एबेलियन ग्रुप यानी पाँच की पाँच प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी एबेलियन ग्रुप यानी पाँच की पाँच प्रॉपर्टीज़ एंड एलेवेंथ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ठीक है इसके बाद देखो कुछ थ्योरम्स हैं चार थ्योरम्स हैं उससे पहले हम एक बार एग्जाम्पल कम्प्लीट कर लेते हैं फिर थ्योरम्स करके हमारा जो सारा मटेरियल है वो कम्प्लीट हो जाएगा विद बिफोर एक्सरसाइज तो देखो फोर्टीन एग्जाम्पल्स हैं इसके हमें एग्जाम्पल देना है ऐसे डिविजन रिंग का जो फील्ड नहीं है ध्यान से सोचना डिवीजन रिंग या फिर स्क्यू फील्ड तो है यानी दस प्रोपर्ट सॉरी हाँ टेन प्रॉपर्टीज को तो सेटिस्फाई करती है लेकिन फील्ड नहीं है यानी जो प्रॉपर्टी हम ऐड करते हैं कौन सी ऐड करते हैं कॉम्पिटिटिविटी यानी वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कॉम्पिटिटिविटी को सेटिस्फाई नहीं करता लेकिन स्क्यू फील्ड या फिर डिवीजन रिंग फॉर्म करता है ऐसे सेट का आपको एग्ज़ाम्पल देना है तो ऐसे सेट का एग्जाम्पल होता है ये यानी सेट M जिसमें मेट्रिक होती हैं इस टाइप की वो डिवीज़न रिंग तो होता है लेकिन फिल्ड नहीं होता अब आप ये मत लेके चलना कि वो बिल्कुल ऐसा ही देगा ये देख रहे हो ना आप इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद भी करना पड़ेगा देखो याद भी क्या है ए प्लस आई टा भी ए माइनस आई भी यहाँ सी प्लस आई डी यानी ऊपर प्लस प्लस वाले हैं ए प्लस भी सी प्लस आई डी यहाँ ए माइनस भी कर दो यहाँ यहाँ पे माइनस किया था यहाँ पहले माइनस कर दो माइनस सी प्लस आई टी ये सेट डिवीजन रिंग फॉर्म करता है लेकिन फील्ड फॉर्म नहीं करता बस अब हमें इसके टेन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करा के दिखाना है और फिर दिखाना है कॉम्पिटेटिविटी होल्ड नहीं करती अब डिटेल में हम इतना नहीं करेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ उन्होंने कैसे किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से हम सब करके आ चुके हैं कोई भी डाउट है तो प्ले का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप चैप्टर वन अच्छे से देखना ये पाँच होगी एडिशन के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट पे हमें चार दिखानी है क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स देखो इसमें देखो और डिस्ट्रीब्यूटिव ठीक है ना फिर हम लास्ट में पहले दस दिखाओ इसमें नाइन्थ तो देखो ए आपके पास ये मैट्रिक्स है अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो सो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसको और इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी और इसके मल्टीप्लाई ये आएगा ए स्क्यर प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र माइनस डी स्क्वेयर ये नॉन जीरो है इसका मतलब ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल तो है यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट तो करता है अब वह इन्वर्स क्या होगा ये हम कैसे निकालते हैं इन्वर्स होता है उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट हमने ये निकाला एडजॉइंट क्या होता है देखो बिल्कुल सिंपल सा वे है इस टाइप के मैट्रिक्स का अगर आपको निकालना है ना तो कैसे निकालते हैं हम ए प्लस आई टा बी ए माइनस आई बी जो यहाँ है उसको यहाँ कर दो जो यहाँ है उसको यहाँ कर दो तो यहाँ तो आ जाएगा ए माइनस आई टा बी यहाँ आ जाएगा ए प्लस आई टा बी यहाँ जो है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ जो है उसको भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो पोजिशन चेंज नहीं करनी तो ये क्या बन गया माइनस सी माइनस आई डी ये क्या बन गया सी माइनस आई डी इनको इंटरचेंज कर दो यहाँ यहाँ जो एलिमेंट्स हैं उन को नेगेटिव साइन लगा दो तो माइनस सी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो यानी माइनस सी माइनस आई टा डी यहाँ हो जाएगा सी माइनस आईटा डी टू क्रॉस टू मैट्रिस का इन्वर्स निकालने का बहुत ही ईजी वे है ये अब देखो बी जो है इसका इन्वर्स है और वो इन्वर्स क्या एम में बिलोंग करता है इस टाइप की मैट्रिस तो एम में होती ही है ना सो बी एम में बिलोंग करगी जो कि ए का इन्वर्स थी तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो टेन प्रॉपर्टीज़ हो गई अब हमें दिखाना है कि कॉम्पिटेटिविटी को ये सेटिस्फाई नहीं करता तो एक मैट्रिक्स आपने ए ले ली एक ले ली बी इनकी मल्टीप्लाई करके देखो ए बी यह आएगा बी ए ये आएगा ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है कॉम्पिटेटिविटी के लिए इक्वल होने चाहिए सो दिस इज अ स्क्यू फील्ड या फिर आप कह सकते हो दिस इज अ डिविजन रिंग बट दिस इज नॉट अ फील्ड बिकॉज दिस सेट ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट सेटिसफाई द कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन टेंथ एग्जाम्पल आपको इसको फिल्ड दिखाना है आप फिल्ड दिखाने के लिए क्या करोगे एडिशन मॉडल ऑफ फाइव के रिस्पेक्ट में भी एबेलिन ग्रुप दिखाओ मल्टीप्लीकेशन मॉडल ऑफ फाइव के रिस्पेक्ट में भी एबेलिन ग्रुप दिखाओ अब क्लोजर इस टाइप के मॉडलों वाले में आपको पता है कम्पोजिशन टेबल हम बनाते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोश सॉरी कॉम्बेटिविटी वो तो कम्पोजिशन टेबल से ही हमें पता चल जाती है तो इस टाइप से बनाओगे एक मल्टीप्लीकेशन के लिए बनाओगे फिर देखो क्लोजर इसने बता दिया असोशियेटिव आपको पता है हम कैसे करते हैं वैसे ही करना है डायरेक्टली ऐसे मत लिखना आइडेंटिटी हो गया इन्वर्स हो गया क्लोजर हो गया मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में असोशियेटिव हो गया आइडेंटिटी वन है इनवर्स हो गया कॉम्पिटेटिविटी है ही ऑब्वियसली है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हो गया यानी सी ए फील्ड है ठीक है एलेवन देखो आपको ये शो करना है कि सी प्लस डॉट यानी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ये फील्ड फॉर्म करता है अब सी मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स फील्ड दिखाना है यानी एडिशन के रिस्पेक्ट में भी एबिलियन एंड मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी एबिलियन तो सिंपल सी बात है एडिशन है वो भी इसी टाइप का होगा एसोसिएटिविटी भी है कॉमिटेटिविटी भी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स भी है पांचों प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेटिव वाले भी हैं मल्टीप्लिकेशन वाली और जैसे कोई जेड है उसका इनवर्स क्या होगा वन बाय जेड तो मल्टीप्लीकेशन इन्वर्स भी है मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है ग्यारह की ग्यारह प्रॉपर्टी हैं फिल्ड हो गया ट्वेल्थ एग्जाम्पल देखो ऐसा ऐसा सेट आपको फिल्ड दिखाना है यानी इसमें से कोई भी एलिमेंट लोगे ना कोई एक्स आपने इसका कोई एलिमेंट ले लिया तो इस टाइप का होगा ए वन ए प्लस बी रूट टू तो दो एलिमेंट ले लो एक एक्स ले लो एक वाई ले लो तो एक्स भी ए वन प्लस बी वन रूट टू टाइप का होगा वाई भी ए टू प्लस बी टू रूट टाइप का होगा जहाँ पे ए वन बी वन बी और ए टू बी टू रेशनल्स हैं क्यू में से हैं तो सिंपल सी बात है ऐड करोगे तो भी इसी टाइप का एलिमेंट आएगा एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी आइडेंटिटी क्या होगी इसकी ज़ीरो प्लस जीरो रूट टू इन्वर्स यानी इस एलिमेंट का इनवर्स कौन होगा ये होगा क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर आइडेंटिटी आ जाएगी ना कम्यूटिटिविटी भी है क्लोजर भी है यानी दो एलिमेंट है इनको मल्टीप्लाई कर लो इस टाइप का एलिमेंट आ जाएगा ये भी तो उसी सेट में है एसोसिएटिविटी भी है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होती है वन तो वन को आप ऐसे लिख सकते हो ना यानी ये भी बिलोंग करती है उस सेट में तो एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो गया अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यानी कोई भी एक्स एलिमेंट है उसका इन्वर्स कैसा होगा देखो इन्वर्स मतलब अब आपको ये चीज़ तो पता है कि ये कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट है एस का तो एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन ज़ीरो देखो सिंपल सी बात है इनवर्स ना किसी नॉन ज़ीरो एलिमेंट का ही एग्जिस्ट करेगा क्योंकि x है ये तो वन बाय एक्स अगर हम निकालना चाहें और ये नॉन जीरो अगर ये जीरो हो गया तो वन बाय ज़ीरो तो इन्फिनिटी हो गया प्रॉब्लम होगी ना तो तभी आप लिखते हो हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती होती है तो हमेशा ये लिखना कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट मान के चलते हैं तो वन बाय एक्स क्या होगा वन बाय ए प्लस बी रूट टू अब ए माइनस रैशनलाइजेशन कर दो इसका ए माइनस बी रूट टू से ही मल्टीप्लाई और ए माइनस बी रूट टू से ही डिवाइड तो नीचे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग गया ये हो गया अब ये नॉन ज़ीरो है यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया और क्या एक्स इंटू वन माइनस एक्स आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है चलो देखते हैं एक्स क्या था ये था वन बाई एक्स क्या आया है ये आया है जब हमने मल्टीप्लाई की वन आ गया वन ही तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है यानी हर एक्स के लिए वन बाय एक्स ऐसा ऐसा, ऐसा एग्जिस्ट करता है सच दैट उसकी और उसकी इनवर्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी की इक्वल आ रही है तो इसका मतलब हर किसी का हर किसी नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एक्जिस्ट करता है विथ रिस्पेक्ट टू तो मल्टीप्लीकेशन कम्युटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो जाएगा एंड वेन वी टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ये तो होल्ड करता ही है ठीक है तो ट्वेल्व भी हो गया हमारा थर्टीन देखो शो दैट नॉन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म एन इंटीग्रल डोमेन ध्यान रखना इंटीग्रल डोमेन में कितनी प्रॉपर्टीज थी सबसे पहले तो देखो ये बताओ रिंग फॉर्म करता था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी था उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करता था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एंड विदाउट जीरो डिवाइजर था विदाउट ज़ीरो डिवाइजर यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई झमेला नहीं है यानी किन्हीं भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स की सॉरी किन्हीं दो एलिमेंट्स की जो मल्टीप्लीकेशन है वो अगर ज़ीरो आ रही है तो यह तो ए ज़ीरो है या बी ज़ीरो है ये प्रॉपर्टी होती है हमारी विदाउट ज़ीरो डिवाइजर तो इसने कहा कि ये शो करो कि इंटीग्रल डोमेन फॉर्म नहीं करता तो इसका मतलब हर कोई किसी ना किसी प्रॉपर्टी को तो डिस्कार्ड कर रहा है तभी तो वो फॉर्म नहीं कर रहा ना देखो पहले हम बात करते हैं सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, देखते ही बता सकते हो क्या इसमें मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कहीं आपको आइडेंटिटी दिख रहा है वन दिख रहा है कहीं नहीं है सो so, इसमें बट द इंटीजर वन डज नॉट बिलोंग टू आर इसका मतलब ये रिंग है विदाउट यूनिटी लेकिन इंटीग्रल डोमेन में हमने क्या देखा था रिंग है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी यानी मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी है कॉम्बेटिविटी सेटिसफाई करता है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में और विदाउट जीरो डिवाइजर है चार प्रॉपर्टी थी तो सेकेंड वाली नहीं है तो हमें और देखने की ज़रूरत ही नहीं है इंटीग्रल डोमेन फॉर्म नहीं करेगा नेक्स्ट देखो सेट ऑफ थ्री क्रॉस थ्री मेट्रिकस ये भी आप वैसे ही देखते ही बता सकते हो मैट्रिक्स हैं क्या वो कभी कॉम्बिटेटिव होती है मैट्रिक्स की प्रोडक्ट नहीं होती तो इसका मतलब ये कॉम्बिटेटिविटी को सेटिस्फाई नहीं करता इसलिए इंटीग्रल डोमेन फॉर्म नहीं करेगा थर्ड क्या है सेट ऑफ नंबर्स ऑफ टाइप a root two a root two टाइप के नंबर्स वो क्यों नहीं करते भाई इंटीग्रल डोमेन फॉर्म देखो आर आपने सेट ले लिया ऐसे ऐसे एलिमेंट्स का a root two टाइप के अब इसमें से कोई दो एलिमेंट लो एक x लो a root two होगा y लो वो कोई b root two होगा अब x into y निकालो क्या हो जाएगा two into a b अब देखो टू इंटू ए बी यानी एक्स ये है वाई ये है इनकी मल्टीप्लीकेशन आ गई टू ए बी रूट ए बी टाइप की तो क्या ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है एक्स उसका एलिमेंट है वाई उसका एलिमेंट है लेकिन उनकी मल्टीप्लीकेशन टू ए बी टाइप की आ गई लेकिन इस सेट में तो वही एलिमेंट आएंगे जिनको आप किस टाइप से लिख सकते हो रूट टू इंटू ए और ए रैशनल्स में से आना चाहिए अब आप ये भी तो कह सकते हो ना कि इसको हम ऐसे लिख देंगे रूट टू इंटू रूट टू ए बी रूट टू का मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम लिख तो पा रहे हैं लेकिन रूट टू की मल्टीप्लाई आप किससे कर रहे हो रूट टू इंटू ए बी तो रूट टू इंटू ए बी एक इरेशनल नंबर है क्योंकि उसमें रूट टू आ गया लेकिन इसने कहा जिसके साथ इसकी मल्टीप्लाई हो रही है ना वो रेशनल नंबर होना चाहिए इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करता में तो क्लोजर प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन तो रिंग ही नहीं है तो इंटीग्रल डोमेन कहाँ से होगा देखो आगे फोर्टीनथ एंड लास्ट एग्जाम्पल क्या कहता है ये ऑर्डर्ड uh, पेयर्स का सेट आपने सी ले लिया एडिशन इस टाइप से डिफाइन कर दिया मल्टीप्लीकेशन इस टाइप से ये शो करो कि ये फील्ड है देखो वही है क्लोज होगा विद रिस्पेक्ट टू बॉथ ऑपरेशन एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी कौन होगा जीरो जीरो ए बी जो है उसका इन्वर्स कौन होगा माइनस या माइनस बी कॉमिटिटिविटी हो जाएगी फिर एसोसिएटिविटी हो जाएगी ठीक है सोल्व कर लेना इसको मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कौन होता है वन ज़ीरो देखो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है यानी उसको किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो वही एलिमेंट एज इट इज़ आ जाए तो ऑपरेशन के हिसाब से देखो ऐसा एलिमेंट कौन है यानी किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि वही आ जाए यहाँ पे अगर आप वन ज़ीरो लेते हो तो देखो ए बी इंटू वन जीरो क्या हो जाएगा ए सी यानी ए इंटू वन ए माइनस बी इंटू डी डी तो ज़ीरो है तो यहाँ सिर्फ क्या आ गया ए कोमा बी सी यानी बी इंटू वन बी और ए डी डी ज़ीरो है तो जीरो आ गया यानी इसके जो हम वन जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो ए बी एज इट इज आ रहा है तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कौन है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में वन जीरो ऐसे हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स की यानी उनकी मल्टीप्लाई करो और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो देखो इनकी मल्टीप्लाई इसके इक्वल आ जाए तो इनको कंपेयर कर दो ये वन है ये ज़ीरो है सोल्व करने पर सी आ जाएगा डी आ या जाएगा यानी ए बी का इन्वर्स कौन है ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र और माइनस बी बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वायेयर देख के ही हम इजीली बता सकते हैं ना नीचे तो दोनों के देखो ए स्क्र प्लस बी स्क्वेयर है इसके यहाँ पे है ए यहाँ पे है माइनस बी सिंपल सी बात है डिस्ट्रीब्यूटिव है इसको सॉल्व करके दिखा देना एंड लास्ट है कॉम्पिटेटिविटी यानी ग्यारह की ग्यारह प्रॉपर्टीज हमें दिखा दी तो सी क्या फॉर्म करता है फील्ड इसके बाद एक्सरसाइज है लेकिन हमारी कुछ थ्योरम्स बाकी हैं वो कर लेते हैं एक्सरसाइज हम है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे चार थ्योरम्स हैं छोटी छोटी हैं और बिल्कुल सिंपल हैं देखो कॉम्बिटेटिव रिंग विद यूनिटी इस इंटीग्रल डोमेन कॉम्बिटेटिव रिंग विद यूनिटी इंटीग्रल डोमेन होगा इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन द रिंग एक बात सोच के बताओ इसने कहा कि कॉम्बिटेटिव रिंग विद यूनिटी इंटीग्रल डोमेन होगा इंटीग्रल डोमेन होने के लिए कितनी प्रॉपर्टीज थी चार थी रिंग था एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी यानी विदि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एंड कॉमिटेटिविटी uh, थी और चौथी कौन सी थी फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी थी विदाउट जीरो डिवाइजर यानी तीन तो इसने दे दी इसने कहा इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने वाला इंटीग्रल डोमेन होगा यानी विदाउट जीरो डिवाइजर वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कब होगी अगर कैंसिलेशन लो होल्ड करेगा तो ठीक है देखो सपोज कर लो कि वो इंटीग्रल डोमेन है We have to prove that cancellation law hold करता है and only if condition है ना यानी integral domain लेके चलना है और कैंसिल ये show करना है कि cancellation law hold करता है और फिर आपने cancellation law hold करता है ये लेके चलना है और फिर integral domain prove करना है तो पहले हम लेके चल पड़ते हैं वो integral domain है हमें ये prove करना है कि cancellation law hold करता है तो cancellation law मतलब क्या है कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी है ना तो हम बी इक्वल टू सी लिख पाएं. यानी कैंसिलेशन मतलब ए से a काट के बी इक्वल टू सी अगर हम लिख पा रहे हैं ना तो हम कहते हैं कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है तो पहले इनको इक्वल ले लो फिर इसको इधर माइनस में ले आओ ए बी माइनस ए सी ए कोम में ले लो ए इंटू बी माइनस सी अब आर हमने एक इंटीग्रल डोमेन लिया यानी विदाउट जीरो जो डिवाइजर है उसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विदाउट जीरो डिवाइजर क्या कहता है कि किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई अगर जीरो है तो या तो ए ज़ीरो है या फिर ये वाला दूसरा यानी बी माइनस सी जीरो है अब ए तो हमने नॉन ज़ीरो एलिमेंट दिया था तो इसका मतलब बी माइनस सी ज़ीरो है यानी बी सी के इक्वल है यानी कहीं भी ए बी इक्वल टू ए सी है ना तो कैंसिलेशन लोगों मतलब क्या है कैंसिल कर दो ए से ए बी इक्वल टू सी आ जाए तो हमने वही प्रूव किया कि अगर वो इंटीग्रल डोमेन है तो ए बी इक्वल टू ए सी होने पर इम्प्लाई करता है कि बी इक्वल टू सी यानी कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है अब हम लेके चलेंगे कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है हम ये प्रूव करेंगे कि ये इंटीग्रल डोमेन है यानी सिर्फ ये प्रूव करना है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिसफाई करता है विदाउट ज़ीरो डिवाइजर देखो कन्वर्सली कैंसिलेशन लॉ अपने मान के चलना है कि होल्ड करता है इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है तो हमें सिर्फ ये शो करना है कि वो विदाउट ज़ीरो डिवाइजर है अब देखो या तो ए ज़ीरो होगा या ए नॉन ज़ीरो होगा अब अगर अगर ए ज़ीरो हो जाता है तो हमें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत है ही नहीं यानी देखो अगर ए बी इक्वल टू ए सी देखो हम ये लेके चल रहे हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी हमें ये क्या प्रूव करना है कि आइदर ए इक्वल टू ज़ीरो और बी इक्वल टू ज़ीरो तो ये कह रहा है कि ए पे दो कंडीशन हो सकती हैं या तो ए जीरो हो या ए नॉन जीरो हो अगर ए ज़ीरो हो गया तो, तो हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी विदाउट ज़ीरो डिवाइजर की बात कब की है अगर ए नॉन जीरो है अगर ए नॉन ज़ीरो है और अभी मैंने आपको बताया ए बी इक्वल टू जीरो हम लेके चल रहे हैं तो अब जीरो को क्या लिख सकते हो ए इं जीरो तो लिख ही सकते हो ए की ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो ही तो आएगा अब अभी हमने कहा कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है और यहाँ से क्या आया कि ए बी इज़ इक्वल टू ए इन टू यानी ए से ए काट सकते हो कैंसिलेशन लॉ का यूज़ करके यानी क्या बचा बी इक्वल टू ज़ीरो यानी या तो ए ज़ीरो है और अगर ए ज़ीरो नहीं है तो बी ज़ीरो है यही तो प्रॉपर्टी होती है हमारी विदाउट जीरो डिवाइजर की so, R is an integral domain. Next, हम बात करते हैं, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बहुत बार आती है क्या कहता है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल एस इसने कहा कोई भी फील्ड आपने ले लिया आपने उसको इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है अब एक बात बताओ फील्ड में ग्यारह प्रॉपर्टी होती है और इंटीग्रल डोमेन अपने हमने किया था रिंग होता है और एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिसफाई करता है और विदाउट ज़ीरो डिवाइजर होता है यानी इसके चार प्रॉपर्टीज़ में से तीन प्रॉपर्टी तो इसमें है ही पहले ही तो फील्ड को इंटीग्रल डोमेन दिखाने के लिए सिर्फ ये दिखा दो कि वो विदाउट ज़ीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी को सेटिसफाई करता है तो हम कह देंगे फील्ड इंटीग्रल डोमेन है है ना इंटीग्रल डोमेन चार प्रॉपर्टी होती है ये वाली और हम कह रहे हैं वो फील्ड है तो फील्ड है तो रिंग भी होगा ना एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी होगा ना और कॉमिटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी होगा यानी सिर्फ ये प्रूव कर दो कि वो विदाउट ज़ीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है यानी इफ़ ए बी इक्वल टू जीरो सो आई ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू ज़ीरो देखो पहली बात ए बी इक्वल टू ज़ीरो तो हम लेके चलेंगे ना ए भी इक्वल टू जीरो तो हम लेके चलेंगे हमें ये प्रूव करना है कि या तो एरो होगा या बी जीरो होगा देखो बिल्कुल वही बात है कि अगर ए पे दो कंडीशन हो सकती हैं या तो ए ज़ीरो है या फिर ए नॉन ज़ीरो है अगर ए ज़ीरो हो गया तो हमारा काम चल गया लेकिन सपोज़ कर लो कि ए ज़ीरो नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना या फिर देखो इतना लंबा करने की बजाय आप डायरेक्टली ये भी तो कर सकते हो कि अगर ए ज़ीरो है तो आपको प्रूव करने की कुछ ज़रूरत है ही नहीं लेकिन अगर ए नॉन जीरो है तो आप ए बी इक्वल टू ज़ीरो ये तो है ही और जीरो को क्या लिख सकते हो ए इंटू ज़ीरो तो बी ज़ीरो आ गया यानी या तो ए ज़ीरो है और अगर ए ज़ीरो नहीं है तो बी ज़ीरो है ऐसे भी कर सकते हो लेकिन ये थोड़ा छोटा पड़ जाता है इसलिए थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम क्या कर देंगे इसके दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो प्री मल्टीप्लाई पहले मल्टीप्लाई सो ए इनवर्स इंटू ए बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू जीरो ये क्या बन गया ज़ीरो अब ए इनवर्स इन टू एसोशिएटिविटी लगा दो ब्रैकेट इन दोनों पे लगा दो ए इनवर्स ए पे ए इनवर्स ए क्या बन गया आइडेंटिटी यानी वन तो वन इंटू बी क्या होता है बी बी इक्वल टू जीरो ऐसे भी यही आएगा बी इक्वल टू जीरो ऐसे भी यही आएगा बी इक्वल टू ज़ीरो बड़ा दिखाने के लिए आप ऐसा ही करना अब सिमिलरली अभी हमने ये लिया अब बी पे भी दो कंडीशन हो सकती हैं या तो बी ज़ीरो है या फिर बी नॉन जीरो है बी ज़ीरो हो गया तो हमारी प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई अगर बी नॉन ज़ीरो है तो अब b इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो पोस्ट क्यों की क्योंकि b पीछे है तो b बी इनवर्स को हमें आइडेंटिटी बनाना है ना तो पीछे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इससे क्या आ गया ए ज़ीरो है यानी या तो बी ज़ीरो है अगर बी ज़ीरो नहीं है तो ए ज़ीरो है तो सारे के सारे कंडीशंस में हमें क्या मिला कि अगर ए बी ज़ीरो लेके चल रहे हो ना सो तो या तो ए ज़ीरो है या फिर बी ज़ीरो है यानी विदाउट ज़ीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करता है सो एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन लेकिन कन्वर्स इस थ्योरम का ट्रीव नहीं है कन्वर्स मतलब हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होता इसको हम आगे देखेंगे फिलहाल हमें सिर्फ यही देखना था कि वो विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है यानी इंटीग्रल डोमेन है अच्छा देखो इसने एक चीज़ कही है दस अफ फील्ड हैज़ नो जीरो डिवाइजर ज़ीरो डिवाइजर पता कौन से होते हैं पिछले लेक्चर में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि टू और थ्री पे जब मल्टीप्लीकेशन मॉडल और सिक्स लगा ना वो जीरो दे देगा यानी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स के ऊपर जब आपने मल्टीप्लिकेशन मॉडलो सिक्स लगाया तो वो ज़ीरो दे दिया यानी ऐसे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स जो ऑपरेशन लगाने पे ज़ीरो दे देते हैं उनको हम बोलते हैं ज़ीरो डिवाइजर्स अब हायर क्लासेस में जब इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं तो ये पूछा जाता है कि क्या कभी ज़ीरो डिवाइजर नॉन ज़ीरो हो सकते हैं नहीं ज़ीरो डिवाइजर का मतलब क्या है ऐसी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स जिनके ऊपर ऑपरेशन लगाया जाए और वो ज़ीरो दे दें तो इनको हम ज़ीरो डिवाइजर बोलते हैं तो तभी इसने कहा कि अब फील्ड हैज़ नो ज़ीरो डिवाइजर यानी इसके पास ऐसे एलिमेंट नहीं है कि उनकी मल्टीप्लाई हम ज़ीरो कर दें और वो दोनों नॉन ज़ीरो हो यानी ए भी अगर जीरो है ना तो, तो या तो ए ज़ीरो है या बी ज़ीरो है यानी विदाउट ज़ीरो डिवाइजर है इसका मतलब क्या है हमारा फील्ड इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करता है तो आप ये लिख लो अ फील्ड हैज़ नोट जीरो डिवाइजर या फिर आप कह दो द फील्ड इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर बात एक ही है लेकिन मतलब अलग है अ फील्ड इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइजर मतलब वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है अ फील्ड हैज़ नो 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 ज़ीरो डिवाइजर यानी इसके पास ऐसे ज़ीरो डिवाइजर नहीं है ज़ीरो डिवाइजर मतलब ऐसे नॉन जीरो एलिमेंट्स नहीं है कि उसके ऊपर ऑपरेशन लगाओ और वो ज़ीरो दे दे एक तो ज़ीरो होना ही पड़ेगा एक को थर्ड एंड फोर्थ दो थ्योरम बच गई हमारी सेकेंड लास्ट थ्योरम कहती है कि एवरी फाइनाइट नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड यानी अभी हमने प्रूफ किया कि फ़ील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है लेकिन इंटीग्रल डोमेन फ़ील्ड नहीं होता इंटीग्रल डोमेन को फ़ील्ड होने के लिए कंडीशन हमें ऐड करनी पड़ती है फाइनाइट नॉन ज़ीरो इंटीग्रल डोमेन यानी वो इंटीग्रल डोमेन अगर फाइनाइट है और नॉन जीरो है तो वो क्या फॉर्म करेगा फिल्ड फॉर्म करेगा तो अब आपको लेके चलना है कि वो फाइनाइट नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन है और आपको ये प्रूव करना है कि वो फिल्ड है अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इंटीग्रल डोमेन में जो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं इसमें कौन सी हैं यानी इसको फील्ड दिखाने के लिए हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेंगी कि ये होल्ड करती है इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है रिंग एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एंड कॉमिटेटिविटी यानी आठ इसकी नौ दस दस प्रॉपर्टी होती हैं इंटीग्रल डोमेन में ग्यारहवीं ये भी होती है लेकिन फील्ड के लिए हमें इसका कुछ काम नहीं है तो मेन दस प्रॉपर्टी होती है और फील्ड में हमने अभी देखा था फील्ड में क्या थी डिवीजन रिंग फॉर्म करता है और कॉम्पिटेटिविटी को सेटिस्फाई करता है यानी फील्ड में ग्यारह प्रॉपर्टी है और इंटीग्रल डोमेन में हमारी दस प्रॉपर्टी है यानी उस इंटीग्रल डोमेन की अगर हमें फील्ड प्रूव करना है ना तो एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी पड़ेगी बस और वो कौन सी है मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स वाली ठीक है।, है लेकिन हम क्या करेंगे दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिसफाई कराएंगे एक तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली और एक मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वाली क्योंकि जो इंटीग्रल डोमेन है ना इसकी डेफिनेशन्स कई जगह पे अलग अलग है ये तो जैसे हम सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं अगर आप हायर बुक्स पढ़ोगे ना तो कुछ बुक्स इस चीज़ को मानती हैं कि उसमें आइडेंटिटी होता है कुछ चीज़ इस चीज़ को स्किप भी कर देती है ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीग्रल में तभी फॉर्म करेगा जब उसमें यूनिटी होगा यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा तो हम क्या करेंगे चाहे कोई माने या ना माने हम इसको प्रूव ही कर देंगे ना तो हम दो चीज़ें प्रूव करने के करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है और मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर हम कह देंगे कि ये जो थ्योरम है वो हम प्रूव कर चुके हैं तो देखो यानी वी शैल प्रूव दैट कि ये फील्ड है उसके लिए दो चीजें प्रूव करेंगे कि रिंग विद यूनिटी है एंड एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो देखो आपने एफ के फाइनाइट एलिमेंट है ना फाइनाइट है तो इसके फाइनाइट एलिमेंट्स आपने ए वन ए टू मान लिए अब देखो ए अगर एफ का कोई एलिमेंट है और ये भी उसके सारे एलिमेंट्स हैं एफ कहें इंटीग्रल डोमेन है, है, है यानी रिंग भी है यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करेगा ना मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में तो ए भी उसका एलिमेंट है ए वन भी उसका एलिमेंट है तो ए ए वन भी एलिमेंट होगा ए एलिमेंट है ए टू एलिमेंट है तो ए ए टू भी एलिमेंट होगा एंड सिमिलरली ए एन ये भी सारे एलिमेंट्स होंगे अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये सारे डिफरेंट हैं डिस्टिंक्ट हैं उसके लिए क्या प्रूव करो कि चलो मान लो कोई दो सेम है ए आई ए ए आई और ए ए जे सेम है इनमें से कोई दो सेम है अगर कोई दो सेम हुए तो इसको इधर माइनस में ले आओ जीरो ए उम्र ले लो ए आई इंटू ए जे इक्वल टू ज़ीरो अब हमने क्या लिया था कि एफ एक इंटीग्रल डोमेन है यानी किन्हीं दो के मल्टीप्लाई ज़ीरो आ रही है यानी या तो पहले वाला ए ज़ीरो है या फिर ये ज़ीरो है अब ए तो हमने नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया था यानी ए तो ज़ीरो हो नहीं सकता तो सिर्फ ये ज़ीरो है ये ज़ीरो है यानी ए आई ए जे के इक्वल आ गया यानी आई जे के इक्वल आ गया विच इज़ नॉट ट्रू ये तो सेम हो ही नहीं सकता हमने अलग अलग लिए हैं ये कॉन्ट्राडिक्शन कब आई जब हम लेके चले कि कोई दो एलिमेंट सेम है इसका मतलब सेम नहीं है सारे के सारे ए आई और ए आई सॉरी ए ए आई और ए ए जे डिफरेंट है यानी ये एन के एन एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं डिफरेंट हैं अब सिंस यहाँ तक हमें समझ आया ना कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स के हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं अब ए एफ का एक एलिमेंट है एंड ए अब ए एफ का एलिमेंट है और हम कह रहे हैं कि इसमें ये वाले एलिमेंट है एफ के अंदर तो ए किसी ना किसी ए इंटू ए आई के तो इक्वल होगा ना अब एफ के एलिमेंट है ना ए आई और एफ क्या है कॉम्बिटेटिव है कॉम्बेटिव क्यों है क्योंकि एफ इंटीग्रल डोमेन है और इंटीग्रल डोमेन कॉम्बिटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन को भी तो सेटिसफाई करता है ना सो ए ए आई को हम ए आई ए भी लिख सकते हैं सो ए इक्वल टू ए ए आई और उसको हम क्या लिख सकते हैं ए आई इंटू ए अब ये यानी किसी एलिमेंट की किसी एल उस ए आई से मल्टीप्लाई कर रहे हो आगे या पीछे वही एलिमेंट एज इट इज आ रहा है यानी हमें थोड़ा शक हो गया कि ए आई जो है हमारी क्या फॉर्म कर रही है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी लेकिन इसको अच्छे से प्रूव करेंगे हम कोई बी एलिमेंट लेके अभी हमने ए एलिमेंट लिया था ना बी एलिमेंट हम इसका लेते हैं अगर बी इसका कोई एलिमेंट है तो क्या होगा ए इंटू बी क्या होगा ए की वैल्यू क्या है ए ए आई और बी एज इट इज़ अब इसको इधर ले आओ और ए कोमल ले लो क्या बच गया बी माइनस ए आई इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो अब ये इंटीग्रल डोमेन है यानी या तो ए ज़ीरो है या फिर ये पूरा ज़ीरो है लेकिन ए तो हमने नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया था यानी ये जीरो है यानी बी इक्वल टू ए आई बी है अब ए आई और बी दोनों ही एफ़ के एलिमेंट है और एफ़ एक कॉम्बेटिव को सेटिस्फाई करता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बी इन ए आई आगे पीछे लिख सकते हैं तो ऐसा ही बी के साथ भी हो रहा है तो इसका मतलब अब तो श्योर है हम कि ए आई जो है हमारी क्या फॉर्म करती है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एक चीज़ तो हमने प्रूव कर दी अब क्या बचा ये प्रूव करना कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो देखो लेट करो कि ये ए आई इक्वल टू वन यानी जो हमने आइडेंटिटी प्रूव किया ना मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में इसको आप वन मान लो अब वन एफ में है सो so एफ क्या बन गई एक रिंग बन गई विद यूनिटी इतना तो हो गया ना अब हमारा क्या काम रहता है ये प्रूव करना कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है अब ए आई इक्वल टू वन बिल्कुल ध्यान से सुनना ए आई किसका एलिमेंट था था तो एलिमेंट ये एफ का ही ना ए आई क्या कहा है? हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है एफ की तो एफ में बिलोंग तो करती है ना अब ए आई हमने वन मान लिया यानी वन एफ में बिलोंग करता है लेकिन एफ में हमने पीछे क्या कहा था F में इस टाइप के एलिमेंट्स हैं ए ए वन ए ए टू ए एन इस टाइप के यानी वन भी किसी ए ए आर के इक्वल होगा one is equal to A into A, R के equal होगा अब ये दोनों ही एलिमेंट एफ के हैं और एफ कॉम्यूटिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हम ए इंटू ए आर को क्या लिख सकते हैं ए आर इंटू ए अब ये प्रॉपर्टी क्या है कि किसी एलिमेंट की किसी के साथ मल्टीप्लाई करी और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है तो ए का इन्वर्स कौन हो गया ए आर और ए आर का इन्वर्स कौन हो गया ए सो ए आर इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट ए यानी अब क्या एग्जिस्ट कर गया मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया नॉन जीरो एलिमेंट ए का तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी हो गई कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स सो एफ क्या बना गया फील्ड बना गया ठीक है ना लास्ट थ्योरम देखो डिवीजन रिंग यानी स्क्यू फील्ड हैज़ नो जीरो डिवाइजर इसके पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं है या फिर एक इस टाइप से भी आ सकता है कि डिवीजन रिंग इज विदाउट ज़ीरो डिवाइजर यानी उसमें अगर आप ए बी इक्वल टू जीरो ले रहे हो ना तो या तो ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा बात बिल्कुल वही है अब ए बी इज इक्वल टू जीरो तो आप लेके चलोगे अब वही बात है बिल्कुल सेम वैसा ही है ये ध्यान देख भी लेना बेशक अब ए पे भी दो कंडीशन हो सकती हैं या तो ए ज़ीरो है या ए नॉन ज़ीरो है ए ज़ीरो हो गया तो प्रॉपर्टी अपने आप ही सेटिस्फाई हो गई ए नॉन जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि एफ एक्स क्यू फील्ड है तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है ना अब प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स वी गेट अब प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम ए इनवर्स से इधर तो ए इनवर्स ए बी ये जीरो हो गया ये वन हो गया वन इंटू बी क्वल्टी बिल्कुल वही है ना यानी बी ज़ीरो आ गया यानी या तो ए ज़ीरो है और ए अगर नॉन ज़ीरो है तो बी ज़ीरो है ऐसा ही केस टू या तो बी ज़ीरो है लेकिन अगर बी ज़ीरो नहीं है तो बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और बी इनवर्स से कर दो पोस्ट मल्टीप्लाई तो ए ज़ीरो आ गया अब सारी कंडीशन से हमने लगा के देख ली हर केस के अंदर अगर ए बी जीरो है ना तो या तो ए ज़ीरो आ रहा है या फिर बी ज़ीरो आ रहा है तो ये क्या है हमारी प्रॉपर्टी है विदाउट ज़ीरो डिवाइजर की या फिर आप कह सकते हो डिवीजन रिंग जो ये एफ़ है ना इस दिस है दिस हैज़ नो ज़ीरो डिवाइजर इसके पास ज़ीरो डिवाइजर नहीं है यानी इसके पास ऐसे कोई दो एलिमेंट नहीं है कि उनकी अगर मल्टीप्लाई करो ना वो जीरो आ जाए और उनमें से कोई भी जीरो ना हो एक ना एक को तो जीरो होना पड़ेगा यानी ये विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है बिल्कुल सेम है फोर्थ थ्योरम और जो सेकेंड थ्योरम थी बिल्कुल सेम वैसी है इसमें केस केस के टाइप में लिख दिया उसमें थोड़ा सिंपली लिख दिया बस ठीक है सो इसके साथ ही हमारा हर चीज़ कंप्लीट हो जाती है डेफिनेशन थ्योरम्स एग्जाम्पल्स सब नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग